Welcome to my YouTube channel, I am Tech Education. Today we are discussing about profit and loss. आज के इस ट्यूटोरियल में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। जैसे आप कोई सामान लीजिए, ठीक है, अगर आप कम रेट में पाए हैं और अधिक में बेचते हैं तो क्या होता है, उन दोनों का अंतर प्रॉफिट हो जाता है, यानी उसका अपना हमें लाभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें वही चीज़ अधिक दाम में मिले और कम दाम में बेचना पड़े तो क्या होगा, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ लाभ को ही प्रॉफिट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, हमें क्या बोला गया है, हम कोई अगर कम रेट में खरीद रहे हैं और अधिक रेट में बेच रहे हैं तो यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इसी का परसेंटेज भी निकालना हो तो ठीक है, क्या करेंगे हम, अगर इसे हम परसेंटेज के रूप में बदलना चाहते हैं तो हमें पहले तो ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमें हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य को जानेंगे तो हमें क्या करना है कि जो मेरा से कास्ट प्राइस है उसे अपॉन करके इंटू 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, हानि के बारे में जानेंगे यानी लॉस। तो हमें पता है कि इसमें क्या है, हम कोई चीज अधिक रेट में खरीदेंगे और कम रेट में बेचेंगे तो कुछ नहीं है। क्या है, अगर हम अधिक रेट में खरीद रहे हैं तो कास्ट प्राइस में ही तो हम सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस। अगर हमें इसका भी क्या निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना हमें, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया यह हमेशा कास्ट प्राइस पर निर्भर करता है, तो इतना मान लीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं और साथ साथ उसके उसका फार्मूला भी बताते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक का कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 110 है तथा सेलिंग प्राइस 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने परसेंट लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या है, लाभ का परसेंट निकालना है। पहले हमें लाभ बराबर क्या होता है, तो हम लाभ बराबर हो जाएगा, कास्ट प्राइस तो होगा नहीं क्योंकि यह छोटा होगा यह बड़ा होगा, यानी हम बड़े वाले में छोटे घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 13.20। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोला था कि घटाने के बाद हमेशा मैंने बोला था कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है इसे हम कास्ट प्राइस लेते हैं, तो हम इसे ऊपर लिख देंगे अपान में कॉस्ट प्राइस 110 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हम पढ़ा चुके हैं कि जो परसेंटेज होता है वो 100 का होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे कट कर दीजिए, अब 11 का 11 हो जाएगा और बचेगा 2, इधर हो जाएगा दशमलव में और 11 गुना 22। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1.2 × 10 का, तो आ जाएगा आपका 12%। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों, 12%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, गौतम ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदा। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रॉफिट में, इसके पहले हमारा प्रॉफिट सॉरी परसेंटेज वाले वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं कि पहले का अगर कोई चीज़ हम पहले जाना है तब किस तरह से करते हैं और आगे जाना है तब किस तरह करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम पहले के लिए क्या करते हैं, मैंने बोला था परसेंटेज हमेशा 100 का होता है, इसी तरह से आप इसमें भी लेंगे परसेंटेज, जो भी सवाल इसमें अगर आ जाएंगे, देखिए यहाँ परसेंट लग गया ना, 4% लाभ कमाया। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या है, कितने में खरीदा, बेचकर, वह बेचा था आपका कितने रुपए में, यानी जो सेलिंग प्राइस है उसका या 8580 रुपये में। ठीक है दोस्तों, और लाभ कितना कमा रहा है, लाभ बराबर कमा रहा है 4%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, आपको पहले फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, SP अपान
ठीक है दोस्तों, यह लाभ हो रहा है यानी बढ़ोतरी हो रहा है। और कास्ट प्राइस निकालना है तो यह हम पहले मानेंगे यह 100 का था, तो हम इसे पहले का जो भी हम निकालते हैं उसे ऊपर में लिखते हैं, क्योंकि तो इससे निकालना है। और बढ़ा कितना था, 4% 100 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104। ठीक है दोस्तों, अब यह आ जाएगा हमारा कास्ट प्राइस। अब हम मान रख देंगे इसका 8580 अपान में 104 इंटू 100। अब आप इसे क्या करेंगे, कट कर दीजिए, तो 4 × 8 हो जाएगा और 4×6 = 24, 4×5 = 100 में 100। अब फिर इसे कट करिए, 2 × 1 = 2, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 2×9 = 18, फिर 0। ठीक है दोस्तों, अब 13 काटते हैं, 13×9 = 26, 33 = 39, 33 = 39, फिर 33 = 39 और 0×25। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, अब कास्ट प्राइस आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब क्रय मूल्य कितना आ गया, 8,250 रुपये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हान होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या बोला है कि जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 873 रुपये, लेकिन यहाँ यह ध्यान देना है कि यहाँ हान हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, हान हो रहा है। तो जब हान होगा तो क्या करेंगे हम, यानी 100, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि परसेंटेज को 100 लेते हैं, इसी तरह से क्रय मूल्य को भी हम 100 लेंगे, क्योंकि परसेंटेज वाले 100 वाला है। तो इतना हान हुआ है तो इसमें क्या होगा, हम 100 में 10 घटाएंगे, यानी 90% हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, कास्ट प्राइस। हम पहले से बोले हैं कास्ट प्राइस मेरा हमेशा 100 होगा, तो मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे। अब जो मेरा सेलिंग प्राइस था, क्योंकि पहले से अब का निकाले हैं, तो अब के लिए हम 100 करेंगे, यानी जो अब है उसके पहले वाला निकाले हैं, तो पहले वाला मैं मान लूंगा कि मेरा जो कास्ट प्राइस था 100 था, और सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, यह 90 हो जाएगा, क्योंकि इतना हान हुआ है हमें, तो इसे हम अपान कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे कट कर दीजिए और इसे यहाँ कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 9,872, 9,81। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बचेगा 6,963, और ये 0 बचे, इसे कर लीजिए, यानी जो मेरा कास्ट प्राइस आया कितना आ गया, 970। अगर आप ये मिस्टेक कर देने कि हमें कहाँ घटाना है और कौन सा इसे पहले लेना है कि फिर इसे पहले लेना है, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर लाभ होगा तो जो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा कास्ट प्राइस अधिक आएगा, और जो कास्ट प्राइस है अगर हान हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस से अधिक रहेगा। अगर सेलिंग प्राइस, तो अगर आप क्या होता है, आप कहीं से मान लीजिए कि भूल गए कि हमें जो बताया गया है 90 नीचे लिखना है कि 100 ऊपर करना है, हमें हान होगा तो कास्ट प्राइस हमेशा कम आएगा, यानी अधिक आएगा सॉरी, और अगर लाभ होगा तो कास्ट प्राइस कम आएगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हम 100 ऊपर लिखेंगे और 90 को नीचे लिखेंगे तो यह 100 से कम ही है, इसका मतलब कास्ट प्राइस मेरा क्या है, अधिक आ रहा है। आप निकालने पास आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इससे अधिक हमारा यह है। अगर यही कहता 10% लाभ हो रहा है तो हम यहाँ 110 लिखते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा क्या हुआ, अगर लाभ होता 110 होता और पहले हमें कितना निकालना होता, 100 निकालना होता है। अब अगर हम 100 में 110 से भाग देंगे तो कम ही तो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं, और आपको कहीं भी भूलने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी फार्मूला रखने की। तो दोस्तों, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को ₹2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हान होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% की लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ करना नहीं है, जैसे आप निकालते हैं सेम वैसे निकालिए। पहले बोला कि अगर हम इतने में बेच रहा है, मान लीजिए केस हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, केस फर्स्ट में क्या कर रहा है, जो मेरा सेलिंग प्राइस है ₹2880 है, तब क्या हान हो, कितना हान हो रहा है, 10% की हान हो रही है, यानी हान इज इक्वल टू 10%। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, सबसे पहले हमें कास्ट प्राइस निकालना है, पहले हम यहाँ से कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं,
तो हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा 2880 इंटू कास्ट प्राइस कितने लेंगे 100 का, कितना हान हुआ 10 का, 100 में घटा देंगे और उसे बटे में कर देंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, आप इसे कट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ कट करिए, 9 त्रिक 27 और 9 दुनी 18 और यह 0 लगा दीजिए, आपका आ गया कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस 3200 आ गया। अब क्या बोला है कि कितने में बेचे कि वह 5% का लाभ कमाए। ठीक है दोस्तों, केस सेकंड में हमें एसपी निकालना है कि कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो, यानी प्रॉफिट हो, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अब क्या है हम तुरंत के लिए इसे निकालेंगे, इसमें 5% लाभ हो रहा है तो हम 100 में 5 जोड़ के ऊपर में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जैसे यहाँ कर रहे थे, यहाँ 100 कैसे मानते थे, अब उसी में 5% लाभ होगा तो हम यहाँ पर क्या कर लिए 100 में 5 को ऐड कर लिए। ठीक है दोस्तों, और अपन क्या करेंगे, कास्ट प्राइस मेरा कितने का है 100 का है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऐसे कर लीजिए और इन दोनों से यहाँ कैंसिल कर लीजिए और इसे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आ गया मेरा 3360 इतना रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन करा दिया जाएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक में। अगर तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है इसलिए इससे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप देखते ही इसे फटाफट कर लेंगे। यदि किसी वस्तु को 5% हान की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75% अधिक मिलते, वस्तु का कास्ट प्राइस कितना होगा, यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है हमें, पहले तो हान हो रहा है, अगर हान होगा तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में मैंने पहले बोला था जो मेरा सीपी है दोस्तों, तो हम इसे क्या मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, 100 ही मान लेते हैं, अभी परसेंट है परसेंट ही लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हान हो रहा है पहले भैया, तो कास्ट प्राइस में क्या हो रहा है, हान हो रहा है, तो इसे हो जाएगा 95 और फिर लाभ हो रहा है उसके अपेक्षा, अगर इतने में लाभ में बेचा जाता है तो मेरा यह कास्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, मैं पहले बोल दिया हूँ कम अधिक ये सब सवाल क्या होते हैं, अंतर वाले सवाल होते हैं, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है और इनका अंतर आ रहा है हमारा 15। ठीक है दोस्तों, यानी 15% आप समझ लीजिए, तो अगर हमारा 15% हो गया 75 के, 1% हो जाएगा 75/15, 15 × 75 यानी आ गया 1% बराबर आ गया 5 रुपये, तो कास्ट प्राइस भी 100 का माना जाएगा, तो 100 का कितना आ जाएगा दोस्तों 500 रुपये। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति ने दो घोड़े में से प्रत्येक को ₹32,500 में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हान हुई, कुल सौदे पर कितना लाभ या हान होगा। ठीक है दोस्तों, आप तो हमेशा पहले एक चीज यह ध्यान देना, अगर इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है, यानी समान परसेंटेज का लाभ और समान परसेंट का हान हो, तो इस सौदे में सदैव ही हान होता है, क्या होता है, समान वाले में होता है सदैव दायव हान होती है, क्या होती है दोस्तों, हाँ, यह हान कैसा होता है वो भी देख लीजिए आप, तो यह हान बराबर होता है जो सौदा होता है, ठीक है, अपान में 10 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लाभ या हान होता है, क्या होता है, लाभ या हाँ, यानी कितने की लाभ हो रही है, कितने, अभी से बड़े नहीं देते हैं क्योंकि वीडियो में क्लियरिटी नहीं आएगा, तो यह हान बराबर होता है, प्रतिशत हान क्या होता है, लाभ या हान अपान में 10 के होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो
या लाभ लीजिए या हान लीजिए, तो हम 15 मान लीजिए, आप कोई भी ले दे रहा हूँ, तो 15/5 के होल स्क्वायर से आप कट कर देंगे, आ जाएगा 1.5 के होल स्क्वायर। और 15 के स्क्वायर होते हैं 225, आ जाएगा 2.25% हान हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।